उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पंचायत ने समाज को शर्मसार करने वाला फैसला सुनाया है। पंचायत ने रेप के आरोपी को सबके सामने 5 चप्पल मारने और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही यह भी कहा कि अगर लड़का अगली बार ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे प्रशासन के हवाले किया जाएगा। न्यूज़ वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार इसके लिए बकायदा एक समझौता पत्र बनाया गया जिसमें गवाहों के रूप में पंचों के दस्तखत भी हैं। इधर पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने कार्रवाई करने की बजाय पंचायत का ही फैसला सही ठहरा दिया। यही नहीं, पुलिस ने दुष्कर्म का नहीं बल्कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। बात यही खत्म नहीं हुई, जब पीड़िता के परिजनों ने दबंग आरोपी से डर की बात कही तो पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही आरोप लगा दिया कि दुष्कर्म की शिकायत नहीं बल्कि डर की वजह से थाने आए हैं। वेबसाइट के अनुसार घटना महाराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र की है। यहां 13 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि बीते 23 जून की शाम 6 बजे जब वह अपने खेत में सब्जी तोड़ने गई थी तभी गाँव का ही रहने वाला युवक संजय खेत में पहुंच गया। उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने दुष्कर्म में नहीं बल्कि छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित पक्ष ने आरोपी से डर जताया है। पीड़िता थाना कोठीभार जिला महाराजगंज की निवासी है। घटना दिनांक 23 की शाम 6 बजे की है। वह खेत में सब्जी तोड़ने गई थी, इसी दौरान गाँव के ही एक युवक संजय ने हाथ पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करने लगा, विरोध करने पर दुष्कर्म किया। घर आकर सारी बात बताई तो माँ संजय के घर पहुँच गई। संजय एवं इनके परिवार के सुनील, सुखल और अन्य लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। पीड़िता की माँ से कहा गया, जाओ जो करना है कर लो, तुम हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पीड़िता का कहना है कि ये लोग बहुत दबंग हैं, डर की वजह से थाने नहीं आ सकी, किसी तरह मौका पाकर सूचना दे रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज कर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करें। दुष्कर्म पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर गए। आरोपी के घर वालों ने उसके साथ अभद्रता की और पुलिस से शिकायत करने पर धमकी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार पंचायत की शरण में गया। पूरी घटना को पंचों के सामने रखा गया लेकिन यहाँ से भी न्याय नहीं मिला, बल्कि पंचायत ने 50,000 रुपये में फैसला कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पंचायत के कहने पर पीड़िता ने आरोपी को 5 चप्पलें मारी। पीड़ित परिवार को यहां न्याय की उम्मीद थी लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़िता का कहना है कि पंचायत में हुए अपमान के बाद दबंग खुलेआम घूम रहा और धमकी दे रहा है, उसे डर है कि कहीं दोबारा उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपने परिवार के साथ वह 25 जून को थाने पहुंची जहां पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष धनवीर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है, आगे की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित और आरोपी पक्ष गाँव में पहले ही पंचायत कर चुके हैं। थाना अध्यक्ष ने बेतुका का बयान देते हुए कहा कि पंचायत ने पीड़िता द्वारा आरोपी को 5 चप्पल मारने का फैसला सुनाया था। पीड़िता ने आरोपी को भरी पंचायत में 5 चप्पल मारी जिससे शर्मसार होने के बाद आरोपी फरार हो गया। अब आरोपी द्वारा कोई आत्मघाती कदम ना उठाया जाए इसलिए पीड़ित पक्ष अपने बचाव के लिए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें निर्दयी माता पिता अपनी 1 दिन की बच्ची को खेत में छोड़कर भाग गए और बच्ची को कीड़ों ने कुतरना शुरू कर दिया। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में ऐसे माता पिता के बारे में भी अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।